जी असद भाई, इसके बाद कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूअर्स? नेक्स्ट में मैं आपको हस्की दिखा रहा हूँ, अडल्ट पेयर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लेते हैं। जी शॉर्ट है, मैं अरेंज करवा दूंगा और जब वो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होती है, जैसा पपी होगा जैसी। जी असद भाई, ये बताएं कि जो आपने रेट बताया 15,000 रुपये, जी ये फिक्स नहीं है? इसमें दोबारा ये जो है ना कि सीज़न पर है, क्या है, मीटिंग हो रही है इनकी, तो मैंने अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल में। तो आज असद ब्रोही साहब ने हमें बुलाया है, इनके सेटअप पे मौजूद है, कैनाल पे मौजूद है। देखेंगे इनके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है इस टाइम और उसके क्या प्राइस है। साथ साथ इसमें कुछ अहम बातें भी शेयर करेंगे वीडियो में कि ये जो डॉग की ब्रीडिंग पीरियड क्या होता है, यानी कि जब डॉग कोई भी ब्रीडिंग कराना चाहता है तो कौन कौन से सीज़न होते हैं जिसमें आपने ख्याल करना होता है कि डॉग हीट पे आ रहा है या क्या ब्रीडिंग का प्रोसीजर है, तो इसको भी आज इंक्लूड करेंगे वीडियो में। तो आइए असद ब्रोही साहब से मिल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से असद भाई? जी है। तो ये बताएं कि आज सेटअप पे कौन कौन से डॉग मौजूद हैं व्यूवर्स के लिए? आज सेटअप पर जर्मन शेपर्ड हैं और हस्की हैं, ठीक है, और एक अमेरिकन बुली है, ठीक है। तो असद भाई, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यानी कि अहम बातें भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जब डॉग ब्रीडिंग के सीज़न में होता है, पहले तो ये बता दें कि मल्टीपल डॉग्स की जो ब्रीड होती हैं उसमें क्या अलग अलग सीज़न होते हैं ब्रीडिंग के? नहीं, सेम ही सीज़न होता है। तो कौन सा सीज़न होता है जिसमें जो भी पालने वाला है या ब्रीड कराने वाला है उसने ख्याल करना है कि जनाब ये डॉग का ब्रीडिंग सीज़न है, अब मैंने नज़र रखनी है कि डॉग कब हीट पे आता है और उसके क्या अलामत होते हैं? देखें, वैसे तो फीमेल जो है ना कि एक टाइम लिमिट होती है फीमेल की, जो सीज़न पे आने की होती है, हीट पे आने की होती है, वो 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान में किसी भी टाइम पे जो है ना कि हीट पर आ जाती है, तो उसी टाइम मेट कराई जाती है फीमेल और उसके बाद ब्रीड हो जाती है। अच्छा, ये सीज़न कौन सा होता है साल में अगर देखा जाए तो? देखें, किसी भी टाइम पे साल में आती हैं फीमेल्स हीट पे, ये नहीं है कि ज़रूरी है कि जो है ना कि ठंडा मौसम हो तो आए, या तो फिर जो है ना कि गर्म मौसम है तो दिसंबर जनवरी, या तो फिर जो है ना कि जून जुलाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइम पर फीमेल्स हीट पे आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डॉग्स खुश रहते हैं और जो है ना कि डॉग्स की ब्रीडिंग का सीज़न होता है वो यही होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी नवंबर, इस तरह के महीनों में। अच्छा, तो इन महीनों में खास ख्याल रखना डॉग की ब्रीडिंग का कि अगर फीमेल हीट पे आई हुए तो उसके 10 दिन के वक्त इसके बाद उसको मेट कराया जाता है। जी बिल्कुल, 11वें दिन मेट होती है, 11वें दिन मेट होती है, उसके बाद जाकर ब्रीडिंग का ये प्रोसेस शुरू होता है। जी बिल्कुल, फीमेल के मेट होने के बाद जो कंफर्मेशन होती है, वैसे अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 28 दिन तक जो है ना, हम 28 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, 28वें दिन में करवा सकते हैं। मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने 24 दिन में भी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें रिपोर्ट आई है पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी रिपोर्ट आ जाती है। जनरली वैसे हम 28 दिन में भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हमें वैसे ही जज करना है फीमेल को तो 45 दिन बाद फीमेल अपना जो है ना कि पेट शो करना शुरू कर देती है, उससे पता चल जाता है। अच्छा, फिजिकली जो हमें पता चलता है वो 45 दिन के बाद पता चलता है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब फीमेल मेट हो गई है, 2 महीने 3 महीने का जो भी पीरियड होता है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं फीमेल? देखिए, मेडिसिन से बेहतर है कि खुराक यूज़ करें, वो फीमेल की कंडीशन देखी जाती है। अगर कहीं पर यूज़ करने की होती है मेडिसिन तो उसकी ताकत की मेडिसिन होती है, उसमें D-Fifol वगैरह इस तरह की टेबलेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी खुद से ना करे जब तक उनको जो है ना कोई डॉक्टर मशवरा नहीं देता, तो उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर उसकी जो है ना कि मेडिसिन वगैरह डॉक्टर आपको बता सकता है, ऐसे नहीं कि हम अपने अंदाजे से देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आइए व्यूअर्स अब डॉग की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं इनके पास जो ब्रीड मौजूद है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनके पास हस्की है, इसके अलावा मल्टीपल डॉग्स की हैं जिसमें इन्होंने जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं और पिटबुल मौजूद है इनके पास। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने पेयर निकाला है जर्मन शेफर्ड का। जी असद भाई, इसकी क्वालिटी बताएं। माशाल्लाह, देख रहा हूँ, देखें ये दोनों जो हैं लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड हैं, पेडिग्रीड हैं दोनों, और ये मैंने स्टड के लिए रखे हुए हैं। अच्छा जी, मेल फीमेल है दोनों? जी नहीं, दोनों मेल हैं। ये दोनों मेल हैं? जी दोनों मेल हैं। दोनों मेल हैं। तो अभी पर यानी कि पर मेल की क्या डिमांड है? ये दोनों जो है 3-3 लाख रुपए के हैं, एक मेल मतलब एक मेल की 3 लाख रुपये प्राइस है, दोनों 3-3 लाख के हैं। अच्छा जी, तो ईच मेल जो है वो 3 लाख प्राइस है, डिमांड है इसकी। जी जी, और लॉन्ग कोट का है ये? जी लॉन्ग कोट का है और चैम्पियन ब्लड लाइन है, और इनको भी शो के लिए तैयार किया हुआ है, अब इनको भी हम शो में डालेंगे। ठीक है। अच्छा ये जो मैं देख रहा हूँ इतने इसके बाल होते हैं लॉन्ग कोट के, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? देखिए मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इनको जो है ना कि कंघा किया जाता है, ब्रश वगैरह करते हैं ताकि इनके जो है ना कि नोट्स ना बने हेयर्स में। और बाकी जो है कि जैसे गर्मी अगर होती है, जब जून जुलाई का मौसम होता है, तो उसमें कोशिश होती है कि फ़ैन लगा हुआ हो तो थोड़ा ये कंफर्टेबल होते हैं, या तो फिर इनके जो है ना कि इनको जो है ना ट्रिम कर दिया जाता है इनके बालों को। अच्छा तो असद भाई ये भी बताएं कि नॉर्मल शैम्पू वगैरह से तो नहीं नहलाते ना इनको? नहीं, इनके अपने शैम्पू आते हैं, कोई भी पेट शॉप होती है जैसे जहाँ से हम डॉग फूड वगैरह लेते हैं या सुपरमार्केट से, तो इनके जो है ना कि अपने शैम्पूज़ वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। ठीक है भाई, इनकी एज क्या है अभी? ये जो मेल ये जो सामने खड़ा हुआ है ये 21 महीने का है। अच्छा 21 महीने इसकी एज है जी, इसकी 21 महीने। और वो दूसरे वाले की जो है तकरीबन 17 महीने एज है, उसकी 17 मंथ्स का है वो। ठीक है। अच्छा एक फैक्ट है कि जर्मन शेफर्ड जो है वो कराची में बहुत कम ब्रीड करते हैं, क्या वजह है? देखें ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, अगर हम जो है ना कि 5 फीमेल्स मेट कराते हैं तो उसमें से जो है ना कि 2 या 3 फीमेल ब्रीड करते हैं, ब्रीड इनकी बहुत कम होती है। अच्छा जी, वैसे और डॉग्स में तो ये होता है कि वो कर लेते हैं ब्रीड, तो जर्मन शेफर्ड ही क्यों खास कर, कोई खास वजह आपने इस पर रिसर्च की? ये अभी तक जो है ना कि जज नहीं किया हमने कि क्यों आती है, शायद जो है ना कि ये जो है ना कि वेदर का प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम हो, इतना जो है ना कि इस बारे में हम रिसर्च नहीं किया, लेकिन यही देखा है कि मतलब कम ही ब्रीड होती है इनकी। आप ये कह रहे हैं कि क्लाइमेटाइजेशन का वो आता है, इसमें प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से इनकी ब्रीड नहीं आती? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सब भाई ये बताएँ कि अब इनकी फीड का खुराक क्या दे रहे हैं इनको? इनको एक टाइम डॉग फूड दे रहे हैं, एक टाइम वही जो बना हुआ खाना होता है वही दे रहे हैं, कल्ले का गोश्त और खीरी ओजरी वगैरह मिक्स होकर जो हमारे पास खाना बनता है, उसमें रोटियां भी होती हैं, चावल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, इस तरह मिक्स करके खाना बनाते हैं। एक टाइम वो देते हैं डॉग फूड देते हैं, एक टाइम होम रेमेडी देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक डॉग को ट्रेन करने के लिए क्या किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी होती है या नोटिस में रखना होता है? भाई डॉग को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले डॉग के साथ मोहब्बत और उसको टाइम देना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ट्रीट्स आती हैं, डॉग को जितना टाइम दोगे जितना समझाओगे उतना सीखेगा, और कोई एज नहीं होती। अगर लोग सोचते हैं कि जी हम पपी लेंगे तो ट्रेन होगा और हम 4 महीने का लेंगे तो ट्रेन होगा, कोई एज नहीं होती, डॉग को आप किसी भी उम्र में ट्रेन कर सकते हैं। जी असद भाई ये तो अभी दोनों मेल देख रहे हैं हम, अगर कोई पेयर लेना चाहे इसका लॉन्ग कोट का तो उसकी क्या डिमांड होगी? देखें लॉन्ग कोट फ़िलहाल तो देखो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अच्छे डॉग्स नहीं मिलते, ठीक है। पपीज़ भी बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं, पपीज़ भी शॉर्ट हैं, मैं अरेंज करवा दूँगा, और जब वो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होती है, जैसा पपी होगा जैसी फीमेल होगी जैसा मेल होगा उस तरह की उसकी प्राइस होती है। अच्छा। मैं इस टाइम कोई भी कंफर्म प्राइस नहीं दे सकता। ठीक है। तो असद भाई इसके बाद कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को डॉग की? इसके बाद मैं आपको हस्की दिखाता हूँ। जी असद भाई ये जो हस्की का पेयर है इसके बारे में बताएं, सबसे पहले तो इसकी एज बताएं। ये 6 महीने का पेयर है, और ये जो आपके हाथ में ये फीमेल है और जो ये मेरे हाथ में ये मेल है, खेल रही है, आपको लग रहा है कि काट रही है। अच्छा ये फीमेल है, बिल्कुल फ्रेंडली है ये और बहुत ज़्यादा लविंग है। ये देखें ना ये दूर ही नहीं हट रहा, उसको नीचे उतारूंगा फिर ऊपर आ जाएगा। जी 6 महीने के। अच्छा ये इनकी क्वालिटी के बारे में बताएं, पेडिग्रीड है? जी जी बिल्कुल पेडिग्रीड है, ब्लू आइज़ में, फुल लॉन्ग कोट में, बहुत खूबसूरत है। अच्छा तो इस पेयर की क्या डिमांड है? ये 1,25,000 रुपये का सिंगल है और ये 2.5 लाख रुपये का पेयर है। अच्छा और वैसे तो ये मैंने एक फ्रेंड के लिए मंगाया था, उनको सेल कर दिया है, तो ये कल जो है ना क्या लेकर जाएंगे। तो 6 मंथ इनकी एज है, तो अभी ब्रीडिंग तक पहुंचने में कितना टाइम इनकी लगेगा? देखिए फीमेल तो 9 महीने में रेडी हो जाएगी, और बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो है ना कि 9 महीने में वेटिंग कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते, टॉय ब्रीड कर जाती है, बड़े डॉग ना नहीं करते, तो मतलब मेल को रेडी होने में तकरीबन 15 से 18 महीने लग जाते हैं। अच्छा और फीमेल भी सेकंड पे अमूमन मेट कराई जाती है 12-14 महीने में। अच्छा ये बताएं ये यहाँ के लोकल ब्रीड के हैं इम्पोर्टेड हैं? यहीं के लोकल ब्रीड के ये। अच्छा जी ये लोकल ब्रीड के हैं जी, इनके पेरेंट्स जो हैं वो थाई इम्पोर्ट हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो थाई इम्पोर्ट हैं, और ये यहीं के लोकल ब्रीड के हैं, यहीं पर ब्रीड हुई भी है और यहीं के। जी दूर करना। अच्छा ये बताएगा अब इनकी वैक्सीनेशन क्या चल रही है, इसके अलावा साथ साथ ये भी बताएगा कि इनके जो ये फर हैं इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं आप, और इसकी क्वालिटी बरकरार? देखें फर को जो मेंटेन रखने के लिए ना इनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना कि कंघा किया जाता है, ब्रश किया जाता है, ठीक है, फर को मेंटेन रखने के लिए। बाकी ये है कि इनका एक इनको जो है ना कि इनके जो अच्छे शैम्पू आते हैं उनसे इनको जो है कि 15 दिन में 10 दिन में जब देखें आपको कि ये गंदे हो गए तो इनको नहलाया जाता है, और बाकी वैक्सीनेशन वगैरह तो 6 महीने तक कंप्लीट हो जाती है। अब इनको साल बाद वैक्सीन होगी, 1 साल बाद। 1 साल के बाद वैक्सीन होगी दोबारा। दोनों बिल्लू आइज में, ये मेल तो उस तरफ मुँह ही नहीं कर रहा, मुझसे दूर नहीं जा रहा, तो इसका मैं मुँह दिखाऊँ, 1 मिनट, ये देखें। अच्छा, हाइट में मैं देख रहा हूँ फ़र्क है, मेल की हाइट ज़्यादा है, फीमेल की कम है। कोई भी चीज़ हो ना, मेल और फीमेल में फ़र्क होता है, चाहे जर्मन शेपर्ड हो, चाहे जो है ना हस्की हो, कोई भी डॉग हो, या किसी भी चीज़ को ले लो आप, किसी भी ब्रीड को ले लो, मेल फीमेल के साइज़ में फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये अभी मेल 6 मंथ का है और इसकी हाइट माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अच्छी है काफ़ी, और फीमेल काफ़ी टेढ़ी सी लग रही है, छोटी सी, क्यूट। नहीं, वो असल में वो हैवी ज़्यादा है ना, वो जो है ना ज़्यादा हैवी हुई हुई है, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है, उसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो पेयर की कॉस्ट आपने क्या बताई है, डिमांड? ये 2.5 लाख रुपए का पेयर मैंने दिया है। 2.5 लाख रुपए का पेयर है जी। असद भाई, इसके बाद कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूअर्स? नेक्स्ट में मैं आपको हस्की दिखा रहा हूँ, अडल्ट पेयर है एक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं जी। जी असद भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं हस्की का, ये अडल्ट पेयर है जी, ये अडल्ट पेयर है और ये फीमेल इसी से ही मेट करवाई है। ठीक है, तकरीबन फीमेल को हुए होंगे 10 दिन मेटिंग को, इसी मेल से मेट हुई है, 2nd हीट पे मेट कराई है। ये तकरीबन 12 से 13 महीने की फीमेल है, इसकी कन्फर्म एज जो है ना कि 12 से 13 महीने ही है। अच्छा, और मेल की क्या एज है? और मेल की तकरीबन है 20 महीने। अच्छा जी, 20 माह मेल की एज बता रहे हैं और 12-13 माह जो है वो फीमेल की एज बता रहे हैं जी। तो ये पेडिग्रीड है जी, पेडिग्रीड है। अच्छा, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? ये जोड़ा अभी मैंने मंगवाया है, 3 लाख रुपए का मुझे जोड़ा पड़ा है ये, और ये क्या कहते हैं कि बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार जोड़ा है। अच्छा, जब ब्रीडिंग पे होती है, जैसे आपने मेट करा दिया, तो अब इसको क्या कोई खुराक स्पेशल दी जा रही है? नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, खुराक जो नॉर्मल देते हैं वही दी जा रही है। अब जब हमें कंफर्म होगा कि जी हाँ ये कंफर्म प्रेग्नेंट है, तो फिर हम इसको उसकी जो है ना सही से जो है ना कि केयर करेंगे। और अभी इसकी केयर तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन खाना हम वही दे रहे हैं जो देते हैं इसको। अब जब 30 दिन में कन्फर्म होगी कि हाँ जी कन्फर्म प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद फिर हम इसकी डाइट वगैरह जो प्रेग्नेंट फीमेल को दी जाती है वही देंगे। और ये मेल है, ये 1.5 लाख का है मेल, तो इससे अगर हमें थोड़े से भी ऊपर मिलेंगे 5-10 हज़ार तो दे देंगे ये। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए मेल की डिमांड आपने बताई है, इसमें आप कह रहे हैं 5-10 हज़ार अगर ऊपर मिलेंगे तो दे देंगे। और ये जो है क्या कहते हैं, ये मेल सेल्फ स्टड है, खुद मेटिंग करता है, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद जो है कि ये अभी शेडिंग पर है, इसका फर वगैरह बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, इसकी आइज़ ब्लू हैं और ये भी ब्लू आइज़ में फीमेल। ठीक, तो अगर ये नॉर्मल कंसीव नहीं करती फीमेल तो इसकी भी वही प्राइस होगी। अच्छा, इसके बाद कौन सी ब्रीड दिखाने में? इसके बाद मैं आपको अमेरिकन बुली दिखा देता हूँ, एक पपी है, तकरीबन 7 से 8 महीने का हो गया जी। असद भाई, ये जो हम देख रहे हैं बुली, इसके बारे में बताएं। ये अमेरिकन बुली है और इसकी एज तकरीबन 7 महीने हो गई होगी, 7 से 8 महीने करीब होगा ये अभी। तो ये वही आपके जो बड़ा डॉग था चैंपियन, उसका ही ब्रीड? जी जी, उसी का ही बच्चा है ये। अच्छा, काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ, तो अभी इसकी क्या डिमांड है? ये 75,000 का है। असल में थोड़ा वेट इसने लूज़ किया हुआ है अभी, तो उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत थी, डिवर्म हमने कर दिया तो, ताकि और बेहतर हो जाए ये। अच्छा, ये तो कैसे पता चलता है कि डिवर्मिंग की ज़रूरत है? देखें, डिवर्मिंग की ये है कि एक तो जो है ना कि डॉग आपका खाना बिल्कुल सही खा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ना कि वेट नहीं बढ़ रहा। दूसरा जो है ना कि आइज़ में जो है ना कि मतलब क्या कहते हैं उसको, जो इनकी आइज़ में ना वो गंदगी आना शुरू हो जाती है, चीपर जिसको कहते हैं। अच्छा, तो वो जो है वो इस बात की, हाँ, उससे कंफर्म हो जाता है कि इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी इसकी एज क्या बताई आपने? इसकी तकरीबन 7 से 8 महीने है जी। नॉन पेडिग्री है जी, बिल्कुल नॉन पेडिग्री, इसके पेरेंट्स पेडिग्री है, ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ। अगर कोई चाहे तो रजिस्टर हो जाएगा। ब्रीड की बात कर रहे हैं आप, अगर प्योर ब्रीड में कोई भी 19-20 हुआ तो आप? मेरी जिम्मेदारी है, मैं डबल पैसे वापस करने को तैयार हूँ, मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो है ना कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास। अच्छा असद भाई, इसके बाद क्या दिखाएंगे व्यूअर्स को? डॉग्स तो दिखा दिए मैंने आपको। मैंने एक छोटा सा शौक किया है रेबिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लान वगैरह लगाना था, तो मैंने सोचा चलो खूबसूरत लगेंगे, घूमते रहेंगे। तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि लोकल जो यहाँ के उससे बेहतर है कि और अच्छे रेबिट्स आते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं वो रखें। तो मैंने एक पेयर डाला था, तो उन्होंने ब्रीड किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उनके बच्चे भी दिखाता हूँ, और उसको देखकर फिर मेरा शौक और बढ़ा, तो मैंने एक और पेयर मंगवाया, वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलें देख लेते हैं जी। जी असद भाई, ये हैं रेबिट्स जिनके बारे में आप बता रहे थे? जी जी बिल्कुल, ये अंगूरा के रेबिट्स हैं, ये कैलिफोर्नियन अंगूरा है और ये अंगूरा है फीमेल। तो इसके जो हैं क्या कहते हैं ये मैंने रखा था एक, वैसे ही शौकिया मैंने एक पेयर लिया, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर लान वन लगाऊंगा तो घूमता रहेगा, तो इन्होंने बच्चे दे दिए मेरे पास। अच्छा, ब्रीड आ गई। जी ब्रीड आ गई, तो बच्चे दे दिए तो शौक और बढ़ गया। फिर इनको देखकर मैंने एक और पेयर मंगवाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनके बच्चे भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आपने मंगवाया था पेयर? ये पेयर मुझे 25,000 रुपये का मिला था। ठीक है, और इनके बच्चे अभी मेरे पास हुए हैं, वो भी दिखाता हूँ। जी असद भाई, ये हैं बेबीज रैबिट, अंगूरा रैबिट के। जी जी, तो अभी क्या एज है इनकी? कुछ इनकी एज मुझे कंफर्म नहीं है, कोई हो गई होगी 2.5-3 महीने तो हो गई होगी इनकी एज। अच्छा, 2.5 से 3 महीने के हैं ये तो... हाँ, इतनी हो गई होगी, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई क्योंकि मुझे इनके बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने इतना जो है ना कि कैलकुलेशन भी नहीं लगाई, इनकी इतनी हो गई होगी क्योंकि बच्चे हुए थे, उसके बाद दाना हम डालते रहते, तो बड़े हो गए, कोई नोट नहीं की थी चीज़ मैंने। अच्छा, ये बता दें कि इसमें मेल और फीमेल कितने? इसमें मेल फीमेल अभी कंफर्म नहीं है मुझे, और अगर कोई लेने आएगा तो मेरा एक दोस्त है जो इनका जो है ना कि करता है, जो जिसको एक्सपीरियंस है वो चेक करके दे देगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि बड़े होने के बाद जो नया बंदा है उसको पता चलता है, तो वो एक्सपर्ट है, वो बच्चों में ही बता देगा कि कौन से मेल है कौन से फीमेल हैं, तो पेयर पेयर बना के मैं दे दूंगा जिसको चाहिए होगा तो। अच्छा, ये इसके पेयर की जो डिमांड आपने बताई है 15,000 रुपये पेयर की डिमांड है। जी, और 2 मंथ्स इनकी एज बता रहे हैं अभी। जी जी जी। असद भाई, ये बताएं कि ये जो आपने रेट बताया 15,000 रुपये, ये फिक्स है या इसमें कुछ निगोशिएट हो जाएगा? यार ये देखें, मेरा बिजनेस तो है नहीं, ठीक है, तो क्या रखें, मैं बढ़ गए हैं, जो आएगा नाराज़ होकर नहीं जाएगा, दे दूँगा। अच्छा। जो भी आएगा नाराज होकर नहीं जाएगा, खुश होकर जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि आपने, हाँ अगर डॉग्स में पूछते तो मैं बोलता है जी बिल्कुल फिक्स है, यही है। चलें ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बता रहे थे एक और ब्रीड। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी दिखाता हूँ। जी असद भाई, ये है दूसरी ब्रीड। जी जी, ये मैं गया था किसी फ्रेंड के घर पर, वहाँ पर मैंने ये देखे, तो उसने मुझे कहा कि ये मैंने इम्पोर्ट कराया, मुझे बहुत खूबसूरत लगे, तो मैंने कहा ये मुझे दे दो, ये मैं लेकर आ गया उससे। अच्छा, ये पेयर था जी, ये एक मरतबा उसके पास उसने ब्रीड की थी, तो बोला था दोबारा ये जो है ना कि सीज़न पर है, क्या है, मीटिंग हो रही है इनकी, तो मैंने कहा मुझे दे दो, तो लेकर आया हूँ, अभी देखते हैं। तो किस कॉस्ट में लिया आपने, यानी कि कितने में परचेज़ किया? ये मैंने 80,000 में पेयर लिया है उससे। अच्छा, 80,000। ये टेडी बियर मुझे ब्रीड बताई थी, टेडी बियर रेबिट्स हैं ये। ठीक है, तो इनकी भी ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी सेल करें। मुझे बच्चे नहीं रखने, मैंने तो 2 पेयर खूबसूरती के लिए रखने हैं बस यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अगर इसकी कोई मुनासिब कीमत लग जाए तो क्या इसको सेल कर देंगे? नहीं, ये तो मुझे खुद खूबसूरत लगा था, लेकर आया हूँ, ये सेल नहीं करूँगा। अच्छा, आपने शौक के लिए रखा हुआ है, इसको सेल नहीं करेंगे। तो ये बताएँ खुराक क्या रखी हुई इनकी अभी? इनको मैं वो दाना मुझे एक बताया था, चोकर, छिलका, दलिया, ये मिक्स दाना आता है इनका, वो मैं मार्केट से लेता हूँ बनवा कर मिक्स। अच्छा। तो वो देता हूँ, और खुश्क घास देता हूँ उनको, कभी कभार थोड़ा सा लहसुन दे देता हूँ। ठीक है, तो हेल्दी हैं और एक्टिविटी सही कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये देखें, नज़र तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आँखें कहाँ हैं इनकी। ये इनका केज है, इन केजेस में मैंने रखा हुआ है इनको, और ये नीचे जो इसकी नीचे जो इनका फर्श है वो जाली है, जाली नुमा देख लें आकर जी। तो वो जाली नुमा है, जो यूरिन वगैरह होता है, जो भी कुछ होता है तो नीचे चला जाता है, पानी में गिरता है ताकि ये गीले वगैरह ना हो, जिन नोट्स वगैरह शायद तो गीले होने की वजह से ही होती हैं। और बाकी जैसे ये केज है, यहाँ से ये बराबर में डॉग्स हैं, तो इनको मैंने पर्दा लगाया हुआ है। अच्छा, तो असद भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि केज के अंदर आपने केज रखा हुआ है, एक प्रॉपर प्लेसमेंट दिया इनको। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक वो रखा हुआ है बॉक्स प्लास्टिक का, वो ब्रीडिंग के लिए रखा है? जी, वो ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो व्यूवर्स, वैसे तो हम डॉग मार्केट की वीडियो भी बनाते हैं सदर में, और जब इस तरीके के सेटअप में आते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छी ब्रीड आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई जाए। इसी वजह से हम सेटअप में आते हैं, क्योंकि जो मार्केट में मिल रही होती है ब्रीड उसका पता नहीं होता, क्रॉस ब्रीड भी होती है, लोकल डॉग्स भी आते हैं, हर तरीके के डॉग्स आते हैं, तो इसी वजह से हम सेटअप का विज़िट करते हैं, क्योंकि कुछ शायकीन लोग जो है वो पेडिग्रीड डॉग जो है वो पसंद करते हैं और शौक़ रखते हैं इनका, तो इसी वजह से हम सेटअपों का भी विज़िट करते हैं ताकि प्योर ब्रीड आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई जाए, उनके क्या प्राइजेस हैं, और जो भी लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो असद ब्रोही साहब से कांटेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने आज देखा हस्की की ब्रीड दिखाई इन्होंने, इसमें हस्की के पपीज़ थे, छोटे 6 माह के थे, इसके अलावा हस्की के अडल्ट पेयर थे, और जर्मन शेफर्ड दिखाया, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रैबिट दिखाया। तो जी असद भाई, किस हद तक हमारे व्यूवर्स के साथ ताउन करेंगे? जी देखें, यहाँ पर मेरे पास जो भी आएगा खुश होकर जाएगा, अच्छी चीज़ लेकर जाएगा, और मैं हर तरह का ताउन करूँगा उनसे जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, जितने भी देखने वाले हैं, जो भी अगर इंटरेस्ट रखने हैं आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 9273 855, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। ठीक है, तो असद भाई से ले लेते हैं इजाज़त। असद भाई बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स आज इस सेटअप पे हमने हस्की के पेयर देखे, काफ़ी अच्छे ब्रीड थी इनके पास लॉन्ग कोट की। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड की ब्रीड दिखाई इन्होंने, और अंगोरा रैबिट जो रैबिट की भी अच्छी ब्रीड है वो भी इन्होंने दिखाई। तो इस तरीके के सेटअप जो हैं वो हम आप तमाम व्यूवर्स के लिए विज़िट करते हैं कि अच्छी से अच्छी ब्रीड कहाँ पे है, उसके क्या प्राइस हैं। इसी तरीके से सदर मार्केट की भी वीडियो बना रहे होते हैं। जब भी मार्केट में होते हैं कोशिश यही रहती है कि मार्केट में अच्छी से अच्छी ब्रीड कौन सी है और उसके क्या प्राइस हैं, और ये भी हम कोशिश करते हैं कि मुनासिब से मुनासिब रेट आप तमाम व्यूवर्स को मिलें हमारे रेफरेंस से, हमारे ताउन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये सेटअप की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। स्टे ट्यून जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी हम बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।